हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्रोम ब्राउजर में जीमेल साइन इन या लॉगिन करने की कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आप अपने डिवाइस में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ओके, क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको जीमेल साइन इन या लॉगिन करने के लिए टॉप में 3 डॉट्स के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ टर्न ऑन सिंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे एड अकाउंट टू डिवाइस का ऑप्शन दिख जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से फ्रेंड से चेकिंग एन्फो कुछ हो रहा है, आपको प्रोसेसिंग हो रहा है नेक्स्ट का, तो आपको वेट कर लेना है। उसके बाद से आपको आपके डिवाइस का जो भी लॉक या पैटर्न है उसे आपको यहाँ स्वाइप कर लेना है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट की प्रोसेस ले रहा है तो आपको वेट कर लेना है। ओके, उसके बाद से यहाँ आपको अपने ईमेल को एंटर करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपना ईमेल रिमेंबर नहीं है तो आपको यहाँ फॉरगेट ईमेल पर क्लिक करके आपको यहाँ अपना फ़ोन नंबर, आप ईमेल क्रिएट करते समय जो भी फ़ोन नंबर या ईमेल एंटर किए होंगे उसे आपको एंटर करना है। जैसे आप फ़ोन नंबर एंटर करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उस फ़ोन नंबर से जितने भी आप ईमेल क्रिएट किए होंगे वो सभी ईमेल्स आपको दिख जाएंगे। तो आप उस ईमेल में से आप जिस ईमेल को लॉगिन करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ईमेल रिमेंबर नहीं है तो आप रिमेंबर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ ईमेल को एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ, मुझे रिमेंबर है। ओके, ईमेल एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ ईमेल का पासवर्ड एंटर करना है। फ्रेंड्स, पासवर्ड आपको पता नहीं है तो आपको पासवर्ड को यहाँ आप यहाँ नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। फिर भी आपको पासवर्ड को फॉरगेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें मैं ऑलरेडी चैनल पर वीडियो इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड को पता कर सकते हैं, फॉरगेट करके न्यू पासवर्ड क्रिएट करके फिर से आप अपने इस जीमेल को लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं, मुझे पासवर्ड रिमेंबर है तो चलिए मैं उसे एंटर कर देता हूं। ओके, उसके बाद से आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये सिंक हो रहा है तो आपको वेट कर लेना है। ओके, उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका जीमेल आईडी लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको यस आई मीन के आई एम पर क्लिक करके आपको इसे लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंबाइन माई डाटा या आप जो या कीप माई डाटा सेपरेट पर क्लिक करके आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि ए वाला अकाउंट गूगल क्रोम में लॉगिन हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप क्रोम ब्राउजर में जीमेल को साइन इन यानी लॉगिन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूले। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।